नमस्कार, मैं आदर्श कुमार दिया दिल्ली का एक वॉलंटियर हूँ। दिया दिल्ली जो अखिल विश्व गायत्री परिवार AWGP का एक युवा इकाई है और दिल्ली में रह रहे छात्रों के लिए ये जो युवा वर्ग है उनको मोटिवेट करने का, उनको सही दिशा देने का, जो प्रिपरेशन के उद्देश्य से दिल्ली में आते हैं और अपने प्रिपरेशन को कैसे वो शानदार वे में बिना अपना टाइम खराब किए, बिना समय को बर्बाद किए, कैसे वो अपने गोल को कम समय में और अपने लक्ष्य को अचीव कर पाए, इस उद्देश्य के साथ दिया दिल्ली काम करती है। दिया दिल्ली एक तो संजय का मोटिवेशनल सेमिनार करती है, हर एक रविवार को उनका संजय मोटिवेशनल सेमिनार होता है। दूसरा कार्यक्रम वृक्षारोपण को लेकर के प्रत्येक शनिवार को दिया दिल्ली वृक्षारोपण की कार्य करती है जो विगत 214 सप्ताह से अनवरत रूप से चलता चला आ रहा है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य है वो बाल संस्कारशाला है, जिसके अंतर्गत हम जो दिल्ली में स्लम बस्तियाँ होती है वहाँ के बच्चों को हम अपने बीच लाते हैं और उनको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही साथ उनके जीवन में कैसे नैतिकता है, वो कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें और उनकी जो परेशानियां हैं उनके समाज को लेकर के या तो उनके परिवार को लेकर के, चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है या जो उनको गाइड करने का प्रॉब्लम हो सकता है, इसी को सॉर्ट आउट करने का काम दिया दिल्ली करती है, उन बच्चों को पढ़ाती है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट ये रहा है कि यहाँ ऐसे बच्चे निकले हैं जो कि शर्म बस्ती में रहते हैं लेकिन एक शानदार रिजल्ट अपने स्कूल में बहुत शानदार रिजल्ट के साथ अपने फैमिली को गौरवान्वित कराएं, दिया दिल्ली को गौरवान्वित कराएं। साथ ही साथ इसके साथ साथ दिया दिल्ली जो है संभवम IAS नामक एक प्रोजेक्ट चलाती है, जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है भारत में रह रहे लगभग अभी 27 बच्चे को बिल्कुल निःशुल्क IAS की कोचिंग दे रही है। इसका कोई चार्ज नहीं लेती है, इसमें पूरे भारत से बच्चे जुड़ते हैं। साथ ही साथ उन्नति मेंटरशिप प्रोग्राम दिया दिल्ली ऑर्गेनाइज कराती है, जो प्रोग्राम में जो मेंटर होते हैं वो IAS ऑफिसर्स हो सकते हैं, IPS ऑफिसर्स हो सकते हैं, IFS ऑफिसर्स हो सकते हैं और वैसे लोग होते हैं जो कि कहीं ना कहीं दो बार चार बार UPSC का मेन्स एग्जाम इंटरव्यू एग्जाम दे दिए होते हैं। ऐसे ऐसे 70-80 मेंटर्स हमारे साथ काम करते हैं, वो बच्चों को गाइड करने का काम करते हैं। आज इसके साथ साथ दिया दिल्ली एक जन्मदिन को लेकर के भी जन्मदिन या तो किसी के जो बर्थडे हो या तो जो विवाह दिवस होता है, इन सब को लेकर के कैसे हम उसको एक अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। इसमें वो बच्चों को सिखाते हैं या जो भी लोग होते हैं उनको बताते हैं कि आप जैसे खास करके ये बच्चों के लिए कि बच्चे को उम्मीद होता है जब वो एक अपना बर्थडे मनाते हैं, उनका एक भाव होता है कि हमारे बर्थडे पे इस बर्थडे पे हमको ये मिलने वाला है, इस बर्थडे पे हमको ये मिलने वाला है, जिससे उनके अंदर किसी भी चीज़ को लेने का मतलब उनको हमेशा ये रहता है, बड़े बड़े जो बार बार उनको रहता है कि इस बार यदि हमको 5,000 के सामान मिले, साइकिल मिले, तो अगले बार हमारे पास iPhone होने चाहिए। ऐसा भाव उनके उन बच्चों के अंदर जग जाता है जो कि उन बच्चों के मानसिक रूप से उन बच्चों को स्ट्रेस में डाल सकता है यदि उन्हें वो चीज़ मिल नहीं पाती है। तो इसको अलग रूप देने के लिए दिया दिल्ली के जो जुड़े व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उन सबों ने इसको एक अलग रूप दिया, जिसमें वो बच्चों के बीच जाते हैं या कहीं और वैसे जगह पे जाते हैं, सोशल जगह पे जाते हैं और वहाँ जा करके उन लोगों को कुछ ना कुछ डोनेट करने के लिए अपने बच्चों के बर्थडे पे बच्चों के हाथों से डोनेट कराना चाहते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे भी जो हमारे गार्जियन के रूप में हमारे प्रदीप अंकल हैं जो दिया दिल्ली से पिछले साल हमारे साथ जुड़े और इसी साल जुड़े और वो बच्चों के बीच कुछ कंट्रीब्यूट अपने पोते अरब के जन्मदिन पर बच्चों के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और उनको मोटिवेट उनके लड़के ने किया है, भैया ने उनको मोटिवेट किया कि पापा इस बार जो है अरब का बर्थडे जो है वो अलग यूनिक तरीके से मनाएंगे और बच्चों के बीच कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। आज उसी को मनाने के लिए हम आए तो हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चों का या अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो आप इस भाव से करें कि हम ईश्वर ने हमें कुछ दिया, भगवान ने दिया है, उसको हम कुछ ना कुछ दूसरों को देकर के, ताकि देने में आदमी को अंदर से प्रसन्नता होगी। जब आप देते हैं तो आपको अंदर से एक चीज उत्साह आपके अंदर जोश होता है और एक जो कहा जाता है कि जो आपको खुशियाँ मिलती है जब किसी को आप कुछ देते हैं, निस्वार्थ भाव से देते हैं। तो आज हम लोग किसी बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे जिसके सहभागी आप सभी होंगे और दिया दिल्ली इन्हीं बच्चों के लिए एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया है एडॉप्ट एक चाइल्ड के नाम से, जिसमें उन
प्रतिभावान बच्चों को यदि कोई लोग गोद लेना चाहते हैं, पढ़ाने का खर्च, गोद लेने का मतलब है उनके पढ़ाने का खर्च, उनको यदि कोई चीज़ का इश्यू होता है उसको वो देने में यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सबों का स्वागत है। ठीक है, यही हमारी बात थी। इसके बाद हम लोग बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं उसको आपको इसमें दिखाया जाएगा और अंकल के माध्यम से आज 100 बच्चों को जो औरत के जन्मदिन पर बैग कंट्रीब्यूट और इसको मोटिवेट करने मतलब ये बैग दिया गया है इसके लिए उनके पूरी फैमिली ने उनको मोटिवेट किया है उनको और उनको बहुत अच्छा लगा। ठीक है कि वो कुछ कर पाएंगे अपने समाज के लिए, कुछ जो है मैसेज दे पाएंगे हम सबों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपने ये स्टेप लिया और एक शानदार स्टेप है। मैं आशा करता हूँ कि आप एडॉप्टेड चाइल्ड जो इस अपना ये प्रोजेक्ट है इसमें भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब जो है अपने बाल संस्कारशाला में किस प्रकार से बर्थडे मनाया जाता है, आज हम लोगों को एक बच्चों के बर्थडे को सेलिब्रेट करना है। वो हमारे साथ अभी तो नहीं है लेकिन वो अभी जहाँ भी ये ब्रिटेन में है वो ठीक है या यूके में है तो उनके जन्मदिन को हम लोग यहाँ से सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए उनके पापा जो है दादाजी को उनके जो दादाजी हैं प्रदीप अंकल उनको मोटिवेट किए थे कि पापा हमारे बच्चों का जन्मदिन जो है कुछ यूनिक तरीके से होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए और हम चाहते हैं कि आज दिन तक हम लोग अलग तरीके से यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार जन्मदिन को मनाए। आगे हम चाहते हैं कि भारत के अपना जो पद्धति है जो भारत का जन्मदिन जन्मोत्सव मनाने का जो संस्कार है उस संस्कार की विधि के माध्यम से जन्मदिन ऑर्गेनाइज हो और बच्चों को हम अपने अरब को ये नहीं चाहते कि वो कुछ लेने के लिए सोचे, वो कुछ समाज को दे पाए इस भाव के साथ हम जो है बच्चों का अरब का जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो फिर प्रदीप अंकल ने ये जिम्मेवारी अपने जिया दिल्ली को दी और आज उन्हीं उसी बच्चों का हम लोग जन्मदिन मनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग अपनी मनोभूमि बना लेंगे, दो बच्चे आ जाएंगे। हम लोग जो जन्मदिन ऑर्गेनाइज करते हैं वो किस रूप में करते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं और जो है सूर्य गायत्री मंत्र बोलेंगे, साथ ही साथ ये दीपक जलाएंगे। जिस प्रकार सूर्य की रश्मि पूरे विश्व ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है ठीक उसी प्रकार ये बच्चे जो भारत से बाहर रह रहे हैं तो वहाँ भारत की संस्कृति को भारत के नाम को गौरवान्वित करें। ठीक है, इस भाव के साथ हम लोग क्या करेंगे उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कमर गर्दन सीधे कर लेंगे, दो बच्चे आ जाएंगे तो भैया हैं भैया इसको जो है ना दीपक जलाएंगे। तो हम लोग जो अभी बर्थडे मनाएंगे कमर गर्दन सीधे करेंगे, दोनों हाथ गोद में करेंगे, आंखें बंद करेंगे और ऐसा भाव करेंगे कि हम उदयमान सूर्य के सामने बैठे हैं और भगवान सूर्य से माँ गायत्री से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो अरब है वो बहुत ही शानदार करें, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, अपने जीवन में तरक्की करें और अपने देश का, अपने राष्ट्र का, साथ ही साथ अपने परिवार का नाम को गौरवान्वित कराए। ऐसा भाव करते हुए पांच बार गायत्री मंत्र करेंगे, तीन बार महामृत्युंजय मंत्र, तीन बार सूर्य गायत्री मंत्र के साथ हम लोग उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य है जिसके लिए भैया ने अंकल को मोटिवेट किया था वो कार्य होगा। ठीक है, तो हम लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए एक साथ एक स्वर में पांच बार गायत्री मंत्र करेंगे, एक साथ एक स्वर में पांच बार गायत्री मंत्र। श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा
हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं वह परमात्मा हमारी बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग से प्रेरित करें। अब अरब के जन्मदिन के लिए 3 बार महामृत्युंजय मंत्र करेंगे। भगवान जो भोलेनाथ हैं, शंकर हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो स्वस्थ रहे, निरोग रहे, उसका लाइफ बहुत शानदार हो, वो अपने जीवन को बहुत शानदार तरीके से जिए, ऐसा भाव करते हुए जो 3 बार एक साथ एक सुर में महामृत्युंजय मंत्र करेंगे। अभी हम लोगों ने दीपक जलाया, दीपक एक संदेश दिया, हम लोग मोमबत्ती को फूके नहीं, दीपक जलाए, इसका एक संदेश था इसके पीछे, ये दीपक जलाने के पीछे संदेश यह था कि ये जो दीपक जल रहा है ये हमको ये मोटिव बता रहा है, ये प्रेरित कर रहा है इस माध्यम से कि जो भी हमारा जन्मदिन हो, चाहे आज अरब का जन्मदिन ऑर्गेनाइज करें, तो वो ऐसे हैं जैसे ये दीपक अंधेरे को क्या करता है, उजाले में बदलता है, प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार उसका जीवन प्रकाशवान हो, वो दूसरे को आगे चल के जब भविष्य में वो दूसरे को क्या करें, अपने कर्मों से प्रकाशित करें, ऐसा भाव था इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के कार्य को करेंगे। ठीक है, जो अंकल के द्वारा हम लोगों के लिए गिफ्ट के तौर पे दिया गया अरब के जन्मदिन पर, ये बैग जो है, ये बैग बच्चों के बीच वितरित करेंगे। तो आप एक एक करके आते जाएंगे और भैया दे रहे, भैया है दीदी है, वो बैग आपको देते जाएंगे और आप अपने जगह पे बैठते जाएंगे। ठीक है, अभी घर नहीं जाना है, 5-10 में आपको अपने जगह पे बैठना है। थैंक यू सौरभ भैया एंड भाभी, पिया दीदी से जुड़ने के लिए, बच्चों की हेल्प करने के लिए।